हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक बार इंडिया से कुछ केकड़े समुद्र मार्ग से जहाज में इस पार से उस पार जा रहे थे, तो क्या हुआ? तो जो विदेशी था उसने कहा कि ड्रम का ढक्कन थोड़ा खुल गया है, तो नेचुरली मुश्किल भी होगी, तो दूसरे ने उसकी टांग खींच ली होगी, तो सब कहां होंगे? भीतर ही होंगे। तो आज दुनिया में टांग खींचने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा, लेकिन हमारा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। एक बार एक करोड़पति व्यक्ति ने अनाउंसमेंट किया कि मेरी जो स्विमिंग पूल में से इस पार से उस पार पहले नंबर पर आ जाएगा। तो चूंकि सुंदर कन्या भी थी और करोड़ों की संपत्ति का सवाल था, तो कई वीर पुरुष खड़े हो गए, लेकिन जब स्विमिंग पूल में झांक रहे थे उस पार आ गया, लोग तालियां बजाने लगे। करोड़पति व्यक्ति ने कहा कि मेरी करोड़ों की संपत्ति तुम्हारी और मेरी सुंदर कन्या भी तुम्हारी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि करोड़ों की संपत्ति भी अपने पास रहे, पहले तो मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझे पीछे से धक्का दिया था। तो कई बार कोई हमें धक्का देता है तो धक्का देने के कारण भी हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। हम अपने जीवन में इस बात का जरूर ख्याल रखते हैं कि जब हम परमात्मा को, जब स्वयं को जान लेंगे और उस परम शक्ति को जान लेंगे, तो अंदर की विल पावर स्वतः ही डेवलप होती चली जाएगी। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण रहा कि इसके हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा, बच्चे ने, कि विद्या की रेखा कहाँ होती है? छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे ने कहा कि विद्या की रेखा कहाँ होती है? तो ज्योतिषी ने बताया कि ये है विद्या की रेखा। वो बच्चा अंदर गया, नोक के बल पर विद्या की रेखा नहीं खींच सकते, परंतु अब बदल सकते हो। और आगे चलकर वो बच्चा संस्कृत व्याकरण का विद्वान पंडित बना पाणिनि, और जिनका संस्कृत व्याकरण हम आज तक पढ़ रहे हैं। तो आया है वो सदा नहीं रहेगा, दुख की लहर आई है वो सदा नहीं रहेगी, वो भी एक दिन जाएगी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। एक बार एक राजा एक सन्यासी के पास पहुंचा और सन्यासी से कहा कि मेरा वर्तमान समय जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आप मुझे भविष्य के लिए कोई ऐसा मंत्र दे दीजिए ताकि मैं उस मंत्र का जाप करूं। जबरदस्त आक्रमण हुआ है, राजा का पूरा राज्य छीन गया, राजा उदास निराश परेशान भागते भागते जंगल में पहुंचा, आंखों में आंसू थे। उसी समय उसको ईश्वर की याद आती है और उनका ज्ञान बहुत खराब है, आप लोगों का ज्ञान बहुत खराब, आपका भगवान बहुत खराब, भगवान को किसी का अच्छा देखा नहीं जाता। देखिए आज मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिलने वाला था और भगवान ने मेरे पैर तोड़ करके रख दिए ताकि मैं ना जा सकूं, बाहर निकलने लगी। तो उनकी वाइफ ने कहा कि बहन जी अभी ये सब को ऐसे ही बोल रहे हैं, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं। थोड़े दिन के बाद बहनें फिर उससे मिलने के लिए, तो कहने लगे कि बहन जी आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग का ज्ञान बहुत अच्छा है, आप लोग का भगवान बहुत अच्छा है, शिव बाबा बहुत अच्छा है। तो हमने कहा आज क्या हो गया? तो कहने लगे बहन जी जिस प्लेन में मैं जाने वाला था ना, वो प्लेन पूरा क्रैश हो गया है और उसमें जितने पैसेंजर बैठे हुए थे सबकी डेथ हो गई। भगवान ने कितना अच्छा किया कि मेरे पैर ही तोड़े। हाँ भगवान ने नहीं तोड़े थे वैसे, आपको ये बता दूं, लेकिन उन्होंने ये शब्द कहे कि मेरे पैर ही टूटे, कम से कम मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह तो सकता हूँ। तो जो घटना 3 तारीख को बहुत खराब थी वो 5 तारीख को क्या हो गई?
बहुत अच्छी हो गई। ये तो समय बदला, बहुत जल्दी खो दिया। लेकिन कई बार हमारा समय ऐसे दुखों में व्यतीत हो रहा है। तो कहा जाता है कि एक दिन एंजॉय करना है तो पिकनिक पर चले गए, एक सप्ताह का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं आप तो कहीं अमरकंटक, पचमढ़ी, माउंट आबू वगैरह घूम करके आ जाइए। एक माह का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों का ये अनुभव है, हम नहीं जानते, लोग कहते हैं शादी कर लीजिए, शादी के बाद एक माह बड़ा आनंद आता है, उसके बाद कोई आनंद नहीं आता। देखिए सब ऐसे हाँ कह रहे हैं, वाकई ऐसे होता है क्या? और कहते हैं एक वर्ष का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो खूब धन इकट्ठा कर लीजिए और खूब एंजॉय कीजिए। लेकिन अगर जीवन भर के लिए आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो सकारात्मक विचारों को, सकारात्मक चिंतन को अपने जीवन के अंदर अपना लीजिए। ठीक है, आज हम कह सकते हैं कि आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है और इसको पुनः चार्ज करना है तो चार्जर में रखना पड़ेगा। जैसे रिचार्जेबल बैटरी आती है, जब वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है तो उसको फिर से ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए हम चार्जर में रख देते हैं, यानी उसके चार्जर है मेडिटेशन। ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि पांच मिनट का बॉइलिंग टेम्पर पर घुसा हमारी 2 घंटे कार्य करने की शक्ति को नष्ट कर देता है और 20 मिनट का पावरफुल मेडिटेशन हमारी 8 घंटे की थकान को या कहीं 8 घंटे की नींद को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। तो देखिए जीवन में समय का बहुत महत्व है। जिसका रॉ मटेरियल देरी से पहुंचा और उसके कारण उनको बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया, वो जानता है कि एक दिन का महत्व क्या होता है। एक मिनट का, एक घंटे का महत्व पूछना तो कहते हैं कि उस प्रेमी से पूछो जो प्रेमिका का इंतजार करता रहा, वो जानता है कि एक घंटे का महत्व क्या होता है। एक मिनट का महत्व पूछना हो तो उससे पूछो जिसकी एक मिनट के कारण ट्रेन छूट गई हो, और एक सेकंड का महत्व पूछना हो तो उससे पूछो जिसका एक्सीडेंट होते होते बच गया, और एक मिली सेकंड का महत्व पूछना हो तो कहते हैं पीटी उषा से पूछो जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करेंगे। तो जीवन में समय का इतना महत्व है, तो क्या आप सभी भाई बहन अपने जीवन में 1 घंटा निकाल सकते हैं अपने लिए, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए नहीं? कर रहे हैं हम सब कुछ। जब हम भाई बहनों से कहते हैं कि आइए आप 7 दिन का बेसिक कोर्स कीजिए, नहीं पसंद है तो समय तो किसी को नहीं मिलता। समय क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ठीक है, तो समय का प्रबंधन। मैं आपका जज्बा पा रहे थे, मैं समा पा रही थी। ठीक है, तो हमारे भ्राता न्यायमूर्ति आदरणीय ईश्वरीय जी पधार रहे हैं और हम जोरदार जब वो सभा के बीच में आए तो गणतंत्र ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और उनका विषय रहेगा कि श्रेष्ठ आज 75-76 साल की ध्यान की प्रैक्टिस, मेडिटेशन का अभ्यास और विचारों को इतना सशक्त बना लेना कि इसके द्वारा जीवन के अंदर एक वो दूसरों को पॉजिटिव वाइब्रेशन दे पाती है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी, दूसरे को खुशी देना बहुत बड़ी बात है। आज हम सभी कई बार अजय का नाम सुना होगा, क्या करते थे वो, दूसरों को हंसाया करते थे, लेकिन उनके जीवन की एक घटना शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। एक बार उनका बच्चों को लेकर के बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था, शाम के समय में प्रोग्राम था, ध्यान से सुनिएगा इस घटना। कई बार छोटी छोटी उलझनों में घबरा जाते, कहते मेरे साथ लड़वा, मेरे साथ भगवान है।
और इधर कुछ बच्चे Oh.
करने के बाद स्वागत कर रहे हैं। यदि सभा में भ्राता सुरेश गोयल जी उपस्थित हो उनसे भी अनुरोध है। भ्राता ऐसे नामित स्वागत कर रहे हैं। बहन निर्माणी राव भी स्वागत करेंगी हमारे न्यायमूर्ति जी का, महापौर बिलासपुर, बार एसोसिएशन अध्यक्ष केशवानी के जरिए मेरा अनुरोध है, बार एसोसिएशन अध्यक्ष केशवानी जी वो भी आकर पुष्प गुच्छों के द्वारा न्यायमूर्ति जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। यदि उपस्थित हो तो वो भी पुष्प गुच्छों के द्वारा स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी के बाद है, अगर कोई नाम छुटिया हो तो मुझे क्षमा करिए। लोग इस संस्थान के सेवा कार्यो का अमृत पान कर अमृत रसों से अपने जीवन को रसा बोध कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयास कर एक ऐसी संस्था है जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा मानवीय भावनाओं और विचारों को पवित्र कर जीवन को उन्नत बनाया जाता है। इस विश्वविद्यालय का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ये आज भारत और विश्व के 132 देशों से अधिक देशों में 9000 से भी अधिक शाखाओं के साथ एक विशाल वट वृक्ष की तरह निरंतर विकसित हो रहा है। यहाँ पर लाखों विद्यार्थी प्रतिदिन नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को वैश्विक स्वीकृति और अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। ये संस्थान वर्ष 1982 से संयुक्त राष्ट्र यूएन गैर सरकारी संस्थाओं के संगठन का सदस्य है। ये यूनिसेफ एवं आर्थिक और सामाजिक सलाहकार परिषद का परामर्शदाता सदस्य भी है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1986 में अंतरराष्ट्रीय शांति पदक से सम्मानित किया गया था और साथ ही विभिन्न देशों के द्वारा 5 अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर के शांति दूत पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इस संस्थान का उद्देश्य है कि जीवन सात्विक, निर्व्यसनी तथा निर्विकारी बने, मनुष्य मात्र में सद्गुणों का विकास हो तथा उसका व्यवहार सद्व्यवहार बने, सहज राशियों के अभ्यास द्वारा जीवन को तनाव रहित बनाते हुए उसकी एकाग्रता, कार्यक्षमता, बहुमुखी व्यक्तित्व एवं व्यवहार कुशलता के विकास का प्रशिक्षण देना भी इस विद्यालय के कार्यक्रमों में शामिल है। यहाँ पर दी जाने वाली शिक्षाओं में सभी मनुष्य मात्र एक पिता के संतान हैं। इस बात पर जोर देते हुए विश्व के सर्व मानव जाति के प्रति एकता, समता और भाईचारे की भावना का विकास किया जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी सेवाएं जनहित में मानव कल्याणकारी होने के कारण निःशुल्क होती है। 25 अगस्त 2007 को दादी प्रकाश मंजी के देहांतरण के बाद वर्तमान समय ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी जानवी जी हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुमार
समाज निर्माण करने वास्ते दुनिया की
जो दीदी की भूमिका क्या है, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के